अच्छा देखो मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर बताया था कि जो मॉरिसी है यानी कि जो बिग कैस है वो ए डब्लू डायनामेट के एपिसोड में आ चुके हैं मतलब ए डब्ब्यू में जो है उन्होंने अपना डेब्यू कर लिया है अब इसके पास से बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आई देखो बिग कैस वही सुपरस्टार है जिनको डब्ल्यू ने अपनी कंपनी से रिलीज किया था लेकिन उनको एडब्ल्यू में देखने के बाद अब डब्ल्यू के अंदर ये बातें चल रही हैं कि क्यों ना इस बंदे को दोबारा से अपनी कंपनी में लेकर आया जाए और इस तरफ ध्यान जा रहा है कि जो बिग कैस है जो मॉरिसी है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है एडब्ल्यू के साथ वो कब खत्म हो रहा है अब डब्ल्यू की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज में लगती है कि उनको पहले पोटेंशियल समझ नहीं आती उतनी लेकिन हाँ बिग कैस के केस में कहूंगा कि आई थिंक उनको रिलीज करना सही था क्योंकि उनका कैरेक्टर उनके को सही नहीं चल रहा था उन्होंने अपनी फिजिक पे काम किया और अब वो ऐसे सुपर स्टार लग रहा है जिसके शायद की जरूरत हो सकती है क्योंकि आपको पता है पतासिटमैन को लंबे चौड़े बंदे तो वैसे ही पसंद है और जो मॉरिसी है, है वो उस चीज को एड कर सकते हैं डब्ल्यूडब्लू के शो में लेकिन फिलहाल के लिए इतनी जल्दी तो हाथ नहीं आने वाले उनके क्योंकि अभी भी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो के साथ शुरू होगा बट हंसी आती है यार मुझे कि पहले डब्ल्यू डब्ल्यू चलो बिग कैस का केस थोड़ा सा डिफरेंट है उन्होंने अपने इंप्रूव किया लेकिन बहुत सारे तो ऐसे स्टार्स हैं

डब्ल्यू डब्ल्यू कंपनी उनको ले पाती है क्योंकि फिलहाल तो वो ए डब्ल्यू के साथ जो है आराम से मजे कर रहे हैं और वहाँ पर जिनका कॉन्ट्रैक्ट है वो चलने वाला है अब डब्लू डब्ल्यू के साल के पहले क्वार्टर की अर्निंग कितनी हुई है वो कुछ खतरनाक है वो कुछ तबाही वाली है और सबसे पहले तो सुन लो कि ये ट्वेंटी सेवन परसेंट बढ़ चुकी है क्वार्टरली रिकॉर्ड के मामले में अब ये नंबर्स कितने हैं ये है तीन सौ तैंतीस मिलियन डॉलर अगर हम इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये निकल के आते हैं 2100 से पच्चीस करोड़ के बीच में मतलब नंबर इतना बड़ा है कि मुझे एक बार इक्कीस सौ पच्चीस सौ करोड़ भी सोचना पड़ा कि हाँ सही है नंबर है या नहीं लेकिन जो अगर आप वन मिलियन डॉलर का हिसाब लगाओ तो वो साढ़े सात सौ साढ़े सात करोड़ रहता है उसके बाद सौ मिलियन का लगाओ तो वो साढ़े सात सौ करोड़ और इसको आ, ऐसे आप काउंट करोगे तीन सौ तैंतीस तक तो ये जो है इक्कीस सौ से पच्चीस सौ करोड़ के बीच में जाएगा तो ये जो नंबर्स हैं इसमें डब्ल्यू डब्ल्यू ने शुरुआत के तीन महीने में हाँ तीन महीने में क्वार्टर हाँ तीन महीने में पैसे छापे हैं जो कि डब्ल्यू डब्ल्यू अपने क्वार्टर की कॉल करती है तो इससे भाई आप लोग देख सकते हो डब्ल्यू डब्ल्यू जो है एक तगड़ी वाली प्रॉफिटेबल कंपनी है भले ही उनको ऐसा लगता है कि उनको रेटिंग्स वगैरह तो नहीं मिल रही है या फिर जो रॉ है उसका हाल इतना नीचे गुजारा है बट अगर वैसे देखा जाए तो भाई पैसों के मामले में डब्ल्यू डब्लू बहुत ऊपर जा रही है क्या रिएक्शन है आपके इसके ऊपर इस बड़े नंबर के बारे में जो 2000 से 2500 करोड़ के बीच में है स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है कल और यहाँ पर चार ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि एडवर्टाइज हैं स्मैकडाउन के शो पर आने के लिए रॉ के सुपर एक तो आपको रैंडी ओटना और जो रिटल है वो देखने को मिल जाएंगे स्मैकडाउन के एपिसोड में और डब्ल्यू डब्ल्यू डार्क मैच पर एडवर्टाइज कर रही है कोडी रोड सेथ रॉलिस्ट का आई थिंक ये रॉ है के सुपरस्टार हैं शायद स्मैकडाउन के एपिसोड में वहां के लोकली जो एरिना के अंदर क्राउड देखने आएगा उनके लिए होंगे इनका स्टोलैन के अंदर ज्यादा कोई सेंस नहीं होगा क्योंकि फायदा एक मतलब कोई जरूरत ही नहीं है उनकी स्टोल तो के ऊपर वैसे भी चली रही है ना तो ये चार स्टार्स हैं जो कि कल होने वाली स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज है तो देखते हैं बैकलैश से पहले डब्ल्यू का ये आखिरी एपिसोड है गोहम एडिशन का तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत रख सकते हैं यहाँ पे देखते हैं वो जो रोमन रेंस और ये ड्रू मैकेंटर वाली सिक्स मैन वाली टीम है उसका भी क्या सीन होता है उसको देखने में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा अब देखो आ, जो कोडी रोड्स हैं उनको वो ईगल विंग वाली चैंपियनशिप चाहिए डब्ल्यू के अंदर दोबारा से मैंने आपको एक बहुत टाइम पहले बताया नहीं था कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर एक स्टोरी डाली थी जहां पर उन्होंने ये लिखा था आ, कुछ लिखा नहीं था सॉरी सिर्फ पिक्चर को पोस्ट किया था तो उन्होंने कहा कि हाँ यार ये वाली बेल्ट को अगर दोबारा से लाया जाए कंपनी के अंदर तो ये काफ़ी अच्छा होगा मतलब ऐसा लग रहा था कोडी रोड्स की बातों को देख के कि अगर वो चैंपियनशिप जीत

बट uh, ये जो ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ी चैंपियनशिप है अगर कोडी रोड्स इन्फ्लुएंस कर पाते हैं डब्लू डब्ल्यू को इसलिए में तो अच्छा होगा हाँ कोडी रोड्स ने कहा कि उसमें नया नया वगैरह थोड़ा पेंट वगैरह लगाकर उसको थोड़ा मॉडर्न तरीके का बना देंगे लेकिन उस वाली चैंपियनशिप के डिजाइन में कोडी रोड्स का काफी इंटरेस्ट है क्या आपका है क्या आप उस चैंपियनशिप को देखना चाहोगे मुझे आप लोग बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन सेक्शन के अंदर लेकिन आज से ठीक बीस साल पहले एक ऐसी चीज हुई जिसने डब्ल्यू डब्ल्यू एफ को डब्ल्यू डब्ल्यू ई बना दिया आपको पता इससे पहले इसका नाम डब्ल्यू डब्ल्यू एफ हुआ करता था लेकिन उसके बाद एक कंपनी ने उनके केस किया मैंने मैंने एक पूरी वीडियो

से शेयर कर दिया अगली स्टोरी की बात करते हैं तो गाइस यहां पर जॉन जीना ने थियरी ऑस्टिन थियरी के बारे में एक इंटरेस्टिंग कॉमेंट किया अब जॉन सिन्हा कहते हैं कि लोगों को लगता है कि मैं डब्ल्यू के अंदर सुपरस्टार बना तो ठीक है ये नेम फेम के लिए था लेकिन एक्चुअल में एक पर्सन एक पर्सन एक इंडिविजुअल के तौर पर मैं इससे काफी ज़्यादा डेवलप हुआ हूँ उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखो जब मेरे को जब मेरा को कोई फैन बनता है या फिर वो इस तरीके से बात करता है कि जॉन सिन्हा मेरा चाइल्ड हुड हीरो है, हीरो है उसको देख के मैं आगे चलाऊँ और ऐसा कॉमेंट किया था ऑस्टिन थियरी ने तो उन्होंने कहा कि ऐसी बातें सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है दे मेड मी इंटू द मैन आई एम स्ट्रेट अप स्पेशली इन लेसन लाइक ह्यूमिलिटी एंड फेलियर काउंटलेस थिंग्स दट दे विल नेवर अंडरस्टैंड मतलब जॉनसना ये कहना चाह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों ने जो मैं आज जॉनसिना बनाऊँ मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई हैं और ये बातें वो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये सिर्फ मेरे अंदर की चीज़ें हैं तो जॉनसना यहाँ पर इसमें भी लोगों को ही अप्रिशिएट कर रहे हैं कि लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं बट उन्होंने यहाँ पर यह बताया कि देखो एज ए ह्यूमन बींग अगर आज मैं डेवलप हुआ तो उसके पीछे ऐसे नामों का जो मुझे पसंद करते हैं मेरे जो फैंस हैं उनका काफ़ी ज़्यादा रोल है तो यार ये बात बड़ी मुझे सही लगती है जॉन सिनेगी कि काफ़ी सारे बंदे हम्बल दिखाने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में वो होते नहीं है लेकिन हम्बल होना क्या होता है स्वीट पर्सन होना क्या होता है वो जॉन सिनेग से हमको अच्छे तरीके से पता चलता है अब देखो फिर थियोरी के बारे में उन्होंने मैंशन तो किया ही है अब जब वो वापस आएंगे तो एक्सपेक्टेड है कि हमको थ्योरी और जॉन सिन्हा की फ्यूट देखने को मिल सकती है शायद यूएस चैंपियनशिप के लिए जहां पर सोलाइन हो गई कि जॉनसिना प्रूव करने आएंगे कि नहीं मैं तेरे से बेटर चैंपियन ही था पहले तो बहुत गलत फैमी में है बट देखते हैं फिर अब जॉन सिन्हा आते हैं तो उसका क्या क्या स्टेटस होता है बट चाहिए यार वो डब्ल्यू डब्ल्यू कहते हैं उनके उनकी एक फैन फॉलोइंग कुछ अलग ही है चलो वैसे भी बैकलैश के ऑर्ड्स की बात करते हैं और यहाँ पर सिक्स मैं वाला जो मैच है उसके ऑर्ड्स भी रिलीज हो गए शायद आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी हो सकती है लेकिन उससे पहले कोडी और सैद के मैच की बात करें तो यहाँ पर जो कोडी हैं वो इस समय जीतने के लिए फेवरेट हैं एज और एजस्टाइल के मैच में जो है फेवरेट हैं एज मतलब वो रस के अंदर जीते थे और रेस बैकलैश के अंदर जीतेंगे ऐसा ऑर्ड्स का कहना है उसके बाद रौंडा हाउस वर्सेज शार्ल्फेर का मैच है शार्टफेयर का मैच है इसमें बैटिंग ऑर्ड्स का अंदर भाई साहब कुछ लाजवाब है कुछ नेक्स्ट लेवल पर गया हुआ है राउंडर हाउस यहाँ पर क्लियर फेवरेट है कि वो इस मैच में शाल फेयर को हराने वाले है जो कि आई क्विट मैच है स्मैकडाउन स्मैकड चैंपियनशिप के लिए और सिक्स एक्टिव मैच जो कि रोमन रेन्स की ब्लड लाइन जू वर्सेजायर आर के ब्रो का है तो गाइज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस एंड दी ऊसोज उहां पर ज्यादा ऑर्ड्स में फेवरेट होंगे तो आप लोग बिल्कुल गलत हो करंटली जो ऑर्ड्स हैं वो फेवर करते हैं मैकेंटायर रैंडी ओटन और रिडल को कि वो सिक्स के अंदर जीतेंगे और अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ये कोई टाइटल यूनिफिकेशन वाला मैच नहीं है तो ऐसे में पहले लग लग नहीं रहता चांसेस की ऊसो से जीते क्योंकि उनको डब्ल्यू डब्ल्यू ड़व को टाइटल यूनिफाई करवा के अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बनाना लेकिन क्योंकि अब यहाँ से जो यूनिफिकेशन वाली चीज है वो हट चुकी है तो आई थिंक अब ये मैच बहुत ज्यादा अनप्रडिक्टेबल हो गया है मतलब कोई भी टीम इस मैच में जीत सकती है डिपेंड नहीं करेगा कि मैच के एंड में क्या होता है जो आउटकम है वो एक्जेक्टली निकलता किस तरीके से क्योंकि क्लियर है यहाँ पर डब्ल्यू को रोमन रेंस एंड मैगन टायर की जो राइवलरी है उसको आगे चलाना है और चलाने के लिए यहाँ पर इनके बीच में कुछ टेंशन या फिर कुछ सब बवाल उनको सिक्स मैं मैच के अंदर दिखाने होगा लेकिन गाय फिलहाल के लिए आज की जो वीडियो थी कितनी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो